कुछ और खबरों की बात भी करेंगे, बेहद महत्वपूर्ण। आज दरअसल मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा पहुंच चुकी है, मुरैना से इसकी एंट्री हुई है। तो मध्य प्रदेश में दाखिल हो गई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मुरैना से एंट्री ली है मध्य प्रदेश के अंदर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला है। यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है और ऐसा कमी होता है कि कांग्रेस एक साथ नजर आए, अलग अलग कांग्रेस, ढेर सारी कांग्रेस कम से कम इस यात्रा के जरिए एक साथ नजर आई है। अंबेडकर स्टेडियम में यात्रा पहुंचने वाली है, इसके बाद सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। अलग अलग तरह के कार्यक्रमों के जरिए संवाद करने का प्रोग्राम है राहुल गांधी का, चाहे फिर वो किसानों की बात हो, शिक्षक छात्रों की बात हो या फिर आम जनता की बात हो। और इसीलिए स्थानीय स्तर पर हर नेता को अलग अलग जिम्मेदारी संगठन की ओर से दी गई है। और यहाँ देखिए, जब मुरैना पहुंचे राहुल गांधी तो उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश और ये स्वागत जिस अंदाज में राहुल गांधी का यहाँ पर किया गया है वो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कुछ देर में अंबेडकर स्टेडियम भी यात्रा पहुंच जाएगी। मुरैना से सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट न्याय यात्रा का? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी वो राजस्थान के धौलपुर से अब राजघाट होते हुए मुरैना में दाखिल हो गई है। और कुछ ही देर बाद यानी कि जो सभा स्थल बनाया गया है भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में, वहां पर राहुल गांधी जी पहुंचेंगे और उसके बाद वह एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित और जो उमंग सरकार है जो नेता प्रतिपक्ष और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम कांग्रेसी प्रदेश और देश स्तर के राष्ट्रीय स्तर के मौजूद है। और यहाँ से एक जो सिंधिया का गढ़ है चंबल अंचल, तो उसमें सेंधमारी लगाने की कोशिश राहुल गांधी इस सभा के माध्यम से और इस यात्रा के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनावी विधानसभा से भाजपा के विधायक हुआ करते थे, विधायक के जो सतपाल सिंह सिकरवार, वह भी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद अमित, आपका लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और इधर खबर भोपाल से, जहां शिवराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है, उनकी यात्रा को लेकर हमला बोला है। राहुल गांधी खुद कांग्रेस के साथ कर रहे हैं अन्याय, कांग्रेस को इस हालत में पहुंचाने का श्रेय भी राहुल गांधी को ही जाता है। कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, ये कहते हुए हमला बोला है राहुल गांधी और कांग्रेस पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, यह दावा भी उन्होंने किया है। स्वयं श्री राहुल गांधी जी भी कांग्रेस के साथ अन्याय कर रहे हैं, कांग्रेस को इस हालत में पहुंचाने का श्रेय उन्हीं को जाता है और कांग्रेस के नेता खुद राहुल गांधी के साथ अन्याय कर रहे हैं। वो जहां जाते हैं कई जगह कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग भागने लगते हैं, लगातार कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मोहन शर्मा का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, आमरण अनशन की बात कर रहे हैं, आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं। पूरा मामला नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विद्युत विभाग की वसूली से जुड़ा है। इसमें विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने बकाया बिलों की राशि वसूलने के लिए बाइक जब्त कर ली, जिसका ठीकरा विधायक के सर पर फूट रहा है। पीलूखेड़ी में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में उन्हें मौका मिला, वे खुद को रोक नहीं पाए, मंच से ही अपने संबोधन में कहा, मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता, कानून का हाथ में नहीं लेना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि किसी अधिकारी साथ विवाद झगड़ा होगा तो 353 लग जाएगी और मैं वो भी नहीं चाहता, पर मेरे पास में एक हथियार है, वो हथियार चलाना जानता हूं। क्या मरण अनशन पर आत्मदाह करने के लिए मैं मजबूर होगा, वो कर लूंगा। मैंने आपसे पहले भी निवेदन कर दिया, आपसे आप किसने बोल दिया, अभी अंतिम निर्णय मेरा हो चुका है, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी। मैं जिंदगी से मुझे मोह भी नहीं, तो मेरी उम्र पूरी हो चुकी है, मुझे मौत स्वीकार है, पर जनता के ऊपर।
खबरें जारी रहेंगी, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।